वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी घर घर की। और दिन के बज चुके हैं 12 और आज है वीकेंड, तो हम लोग करने जा रहे हैं शॉपिंग। तो सीधा ही मैं आपको उस मार्केट में मिलती हूँ। आज मैं एक्सप्लोर करूँगी उस मार्केट को और वहाँ पर कुछ सस्ती सस्ती चीज़ें, कम पैसों में ज़्यादा शॉपिंग मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों सीधा हम मिलते हैं आपको शॉपिंग। सब लोग वेलकम बैक टू अवर चैनल कहानी घर घर की। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों आज भी हम किसी काम से जा रहे हैं, थोड़ा मार्केट शॉपिंग, थोड़ा घूमने के लिए मार्केट में। तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। मैं अपने मेट्रो स्टेशन तो पहुँच गई हूँ, अभी जल्दी ही मैं ज्योति से मिलती हूँ। तो दोस्तों पहुँच गए हैं हम तोताराम मार्केट। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तोताराम मार्केट है तो यहाँ तोते मिलते हैं। यहाँ तोते नहीं मिलते, गाय भी ली अभी हमें रास्ते में, कहीं ऐसा ना हो हमारा ही तोता बन जाए। सही पकड़े हैं पोपट। देखते हैं, तो वैसे तो है नहीं, देखते हैं हम पहुँच तो गए हैं, आपको मार्केट का व्यू दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों मार्केट तोताराम, ये इसका एंट्रेंस है। मे बी एंट्रेंस और भी हों, लेकिन हमारे लिए तो अभी यही, हमें यही दिखाई दे रहा है। और अभी हम चलते जा रहे हैं सामने सामने और देखें, ये है मार्केट का व्यू। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कुछ देखने को मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों आते ही सबसे पहले हमें भूख लग गई है, इस हाउ यू ईट अ बिग मैक निगा, क्योंकि हम आए हैं और हम कुछ भी खा के नहीं आए हैं। तो पीछे हमारी बन रहे आलू चाट, जो कि इनका ना मोबाइल की सेटिंग ही सही नहीं है ज्योति की, सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। नाम देखो, और अभी तो हम लालजी चाट बन रहा है वो अब, लेकिन यहाँ पहले हम शुरुआत कर रहे हैं गोलगप्पे से। हाँ तो दोस्तों अभी बन रहे हैं गोलगप्पे, बहुत टेस्टी देखने से लग रहे हैं, खाने के बाद बताएंगे रिव्यू। 20 रुपए के 4 गोलगप्पे हैं दोस्तों, महंगे हैं हमारे यहाँ, खाने आज मिलते हैं लेकिन खा लेते तोताराम बाजार। भाई खाने में टेस्टी हुए तो 20 रुपए के 4 भी ठीक है। तोताराम बाजार कहने का आके देखते फिर आपको बताते लास्ट। तो गाइस तोताराम बाजार के बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे हैं, नहीं टेस्टी आलू चाट है। चलते 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 ये है संडे मार्केट, लोकल मार्केट। संडे को आइएगा दोस्तों, संडे को ज़्यादा अच्छा रहता है संडे को, क्योंकि आपको ना लोकल मार्केट देखने को भी मिल जाएगी। बाकी डेज में तो आपको सिर्फ मेन मार्केट देखने को मिलेगा, लेकिन संडे को आपको लोकल मार्केट भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे लगा हुआ। हिट स्टार्ट हो गया दोस्तों मार्केट लगना, ये देखिए ज्योति जी की सेम स्माइल, हर ब्लॉग में सेम स्माइल। अरे स्माइल कुछ चेंज भी तो करो जरा, अभी चेंज वाली। ये तो बहुत ही खतरनाक थी, इसे तो पहले वाली सही थी। तो ये कुर्ते हैं देखिए कितने, 350 का, बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते हैं, 350 रुपये की सेल। हाँ और ये फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस है, देखिए कितने अच्छे अच्छे कुर्ते हैं। ऐसे बोलना पड़ता है ना, इसलिए ज्योति जी, ज्योति बोलेंगे कि महंगा है तभी शायद थोड़ा कुछ कम भी कर लें। दोस्तों दीपा को गाय से बड़ा प्रेम है, इसलिए उन्हीं के करीब करीब जाती रहती है। ये देखिए मारने के लिए आ गई है दीपा को। दोस्तों मार्केट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और हम थक चुके हैं चलते चलते।
दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये है 110 रुपए का, ये भी 110 का है और ये भी 110, ये सारे 110 के हैं जो अभी दिखाए हैं ना। वो 70 वाला भी अच्छा था वैसे। तो हमें 70 वाला ही पसंद आ रहा है। शॉप का नाम देखिए, किसी को आना हो तो। गणपति भी लगे हुए हैं देखिए, कितने प्यारे प्यारे गणपति हैं। ये ड्रेसेस बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं यहाँ पर, अगर किसी को लेनी है आनी हो ना दोस्तों, तो यहाँ पर ड्रेसेस भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। कई हैं जहाँ पर सिर्फ परचून का सामान है, कहीं पर पूजा पाठ का सामान, इससे पहले जहाँ थे वहाँ सिर्फ पूजा पाठ का सामान था, यहाँ पर सब मुझे परचून का ही सामान मिल रहा है, जो भी आपका राशन वगैरह का सामान है। अब हम देखते हैं जैसे ही हम सही ट्रैक पर पहुँचते हैं जहाँ हमें जाना है हमारा सही डेस्टिनेशन, तो हम आपको मिले। तो ये देखिए इधर आपको सारे पेस्ट भी मिल जाते हैं, इडली पेस्ट, बेडनी पिट्ठी, खोया ताजा। पैसे लेकर आती नहीं है, मार्केट आ जाती हैं लेकिन पैसे लेकर नहीं आती हैं, बताओ। तो ज्योति कह रही हैं कि मैं 1000 रुपये ही निकालूंगी, इससे ज़्यादा की तो मैं शॉपिंग करूंगी नहीं, क्योंकि हम पैसे जितने ज़्यादा निकालेंगे उतने खर्च भी हो जाएंगे। सोच के आए, हमने एक चीज़ सोची है कि हम 1000 ही रुपये निकालेंगे ताकि हम खर्च कम ही करें। तो मेरा मन कर गया है अभी, अंदर नहीं है, ताज़ा ताज़ा खबर मिली है कि दीपा को अभी अभी भुट्टा खाने का मन कर रहा है। ये देखिए, ये रहे भुट्टा, देख सकते हैं आप। फिर कैसे है? 20 का। और महंगा नहीं है कोई? 10 वाला नहीं है? 10 वाला अगले साल आएगा जब शुरुआत होगी। तो कोई बात नहीं, अगले सीजन आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ऐसा हो रहा है कि गाड़ियों के बीच बीच में से निकल रहे हैं, कोई गाड़ी ना मार जाए, हमारे को तो ये भी डर लगा रहता है कल के न्यूज़पेपर में आएगा। उभरते हुए ब्लॉगर भी गाड़ी के नीचे आ गए। तो दोस्तों अभी गाड़ी वाले ने दबा दिया था मुझे, सब कुछ छोड़ के इनको मिले हैं केले। केले लेंगे अभी। तालाब जगह है, मुझे लगा तालाब। रहे हैं दोस्तों केले वाले भैया, गए हैं पैसे खुले कराने, एक बार जब चुरा लेंगे। तो ज्योति को मतलब अगर चुराना था तो कुछ अच्छी चीज़ चुराती ना, केला चुरा रही है बताओ। केला, और अगर केला चुराते हुए पकड़ी गई तो सज़ा तो बराबर मिलनी है, तो कोई ढंग की चीज़ चुरा लो। दोस्तों मम्मी हमारे साथ आई हैं शॉपिंग करने, मम्मी के पैसे खर्च पे खर्च कराए जा रहे हैं। लगता है मम्मी दोबारा नहीं आएंगी अब। साड़ी खरीदने जा रहे हैं मम्मी के, साड़ी खरीदने जा रहे हैं, लोग भी खरीदो। ये ऐसी फोन अभी साड़ी ली जा रही है दोस्तों। अरे बाप रे, 16 साल का भी नहीं बनना। अरे ये 650 की साड़ी में, ये कितने की है? 650। ये भी साड़ी लगा के देखा, अब इधर देखो, ये मैडम जी थी यहाँ पे, बहुत ही रीजनेबल और आपको कम रेट में अच्छी साड़ियाँ मिलेंगी। और दोस्तों पहुँच गए हैं हम सब्जी मार्केट। जब तक अच्छा खाओगे नहीं, अच्छे दिखोगे नहीं, इसलिए फैशन की मार्केट तो हमने आपको दिखाई दी, साथ में सब्जी की मार्केट भी आ गई, तो थोड़ा सा दोस्तों पीछे छूट गई है जो है ना। ये देखिए आज तो हद ही कर दी है फैंटा की बड़ी बोतल पीने के लिए। आपको हमारा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत अच्छी मार्केट है, आप लोग भी आओ, यहाँ पर रीजनेबल है, आप आइए, आप कम रेट में और बार्गेनिंग भी हो सकती है यहाँ पर। और प्लीज़ आइएगा और हमारे चैनल को, जो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे को अभी कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमें उसी से ये पता चलेगा कि अभी क्या हमारे ब्लॉग में क्या कमी है और हमें आगे तभी कंटिन्यू करने का हमें उत्साह मिलेगा और हम आगे अपने ब्लॉग को और अच्छे से चलाएं। चाउमीन का काउंटर आ गया था ना, इसलिए मुझे खांसी आ गई। नहीं, कुछ भी खाने की चीज़ आती है ना तो ज्योति जी को खांसी आ जाती है, तो ये खांसी रहती है, इसका मतलब इनको भूख लग गई है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है, अब तो जीभ भी बाहर निकली है। तो
चलिए दोस्तों, हम इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।